हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा बुट पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के टर्मिनल 21, जो एक का बहुत ही फेमस शॉपिंग मॉल है, एग्जैक्ट उसके बैक साइड पर। और यहां पर आने की जो खास वजह है वो ये है कि यार मेरे एक भाई का मेरे पास में एक मैसेज था, काफ़ी दिन से वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी दिन से वो कमेंट भी कर रहे हैं। और मेरे उस भाई का कहना ऐसा था कि जो टर्मिनल 21 के जो पीछे वाला रोड है, उस रोड के ऊपर बहुत सारे बड़े थाई इंटरनेशनल क्लब हैं, जहाँ पर थाई म्यूज़िक भी प्ले होता है, उसके अलावा इंटरनेशनल म्यूज़िक भी प्ले होता है। और उन क्लब के अलावा इस रोड के ऊपर एक शो भी है जो बिल्कुल भी फैमिली शो नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एक अडल्ट शो है। तो उस शो के बारे में हमको बताइए, और उस रोड पर कौन कौन से क्लब्स हैं उसके बारे में हमें बताइए। और मैंने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए और जो पत्या की नाइट लाइफ है उसके बारे में कोई भी जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी, तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ टर्मिनल 21 के बैक साइड वाला जो रोड है, उस रोड के ऊपर एग्जैक्ट आपके पास में कितने बड़े क्लब्स हैं। और यहाँ पर जो एक शो है जो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 18+ लोगों के लिए, 18+ लोगों के लिए, वो शो कौन सा है, राइट। तो ये है टर्मिनल 21 और पत्या का एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल, और बहुत ही बड़ा नाम है इस शॉपिंग मॉल का टर्मिनल 21। और एग्जैक्ट मैं उसके जो बैक साइड वाला रोड है अभी वहीं पर खड़ा हूँ, अगर आप लोग ये रोड देख रहे हैं। और इसी रोड के ऊपर अपने पास में दो तीन बड़े बड़े जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो थाई इंटरनेशनल क्लब्स हैं, उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा शो है इसी रोड पर जो चलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्लब्स अपने पास में हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो ये टर्मिनल 21 जो आप देख रहे हैं शॉपिंग मॉल, इसके बिल्कुल अगर आप साथ में ही देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखे एक बहुत ही बड़ा क्लब, और ये है बॉर्न क्लब। और पत्या के अंदर जितने भी जो बड़े क्लब आप कह सकते हैं, आप इंडियन क्लब कहिए, आप इंटरनेशनल क्लब कहिए, आप थाई क्लब कहिए, उनमें जो सबसे जो बड़े क्लब हैं उन बड़े क्लबों में से एक क्लब है ये बॉर्न क्लब। तो ये है बिल्कुल टर्मिनल 21 के एकदम साथ में। अगर आप टर्मिनल 21 के बैक साइड पर आते हैं इस रोड के ऊपर, बैक साइड वाले रोड के ऊपर, तो आपको मिलेगा यहाँ पर बॉर्न क्लब। तो ये है बॉर्न क्लब, फ़िलहाल आपको यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से टेम्परेरी ये जो क्लब है अभी क्लोज है। अदरवाइज़ शाम के इसी टाइम अगर आप लोग यहाँ पर आकर देखें, जिस टाइम पर यहाँ पर टूरिस्ट होता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे जो यहाँ पर बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होंगे इस क्लब ओपन होने की। तो ये आप देख रहे हैं ये है बॉर्न क्लब, और बॉर्न क्लब जो इंटरनेशनल टूरिस्ट पत्या के अंदर आता है, आप यूरोपियन कहिए, आप ऑस्ट्रेलियन कहिए, आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट कहिए, आप जैपनीज़ कहिए, आप चाइनीज़ कहिए, और इसके अलावा जो लोकल जो थाई क्राउड है, जो लोकल आप कह सकते हैं जो रिच लोग हैं, जो यहाँ का क्रीम क्राउड है, वो सभी लोग इसी क्लब में आते हैं। उन सभी लोगों की जो पहली पसंद है पत्या के अंदर वो है बॉर्न क्लब, अगर आप लोग मेरे पीछे ये क्लब देख रहे हैं। और बॉर्न क्लब की जो खासियत है वो यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ पर जो म्यूज़िक प्ले होता है, अगर आप लोग हाउस म्यूज़िक पसंद करते हैं, आप लोग EDM इलेक्ट्रो जो म्यूज़िक होता है अगर इलेक्ट्रो पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है पत्या के अंदर, वो है ये बॉर्न क्लब। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया थाई म्यूज़िक भी प्ले होता है, और जो थाई म्यूज़िक की जो बीट्स हैं यार मेरे इंडियन भाई जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लब में आप लोगों ने थाई म्यूज़िक का सुना भी होगा। आप अगर इस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं तो आप लोग बॉर्न क्लब में आकर इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बॉर्न क्लब की बात करें तो यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है वो है यहाँ का इंटरटेनमेंट। यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी डांसर्स हैं जो बीच बीच में परफॉर्म करती हैं। और उसके अलावा इस क्लब के अंदर कुछ जो नाइट्स होती है, नाइट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अलग अलग थीम पे यहाँ पर पार्टीज़ की जाती हैं। और उसके अलावा जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी डीजेज हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग कह सकते हैं, वर्ल्ड के बड़े डीजेज यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आते हैं। तो अगर आप लोग भी पत्या के अंदर हैं और आपके पास में अगर टाइम हो, तो आपके जो ट्रिप के अंदर जो आपका जो टूर है उसके अंदर आप एक नाइट ऐसे क्लब में स्पेंड करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप भी अगर पत्या के अंदर है और आप इंटरटेनमेंट के लिए कोई नई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो बॉर्न क्लब आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ्यूचर में आप लोग जब भी पत्या आते हैं तो आपका जो टूर है उसके बीच में से जो एक रात है यहाँ पर स्पेंड करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास में एक नई तरह का माहौल होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके पास में, एक नए तरह का म्यूज़िक, एक नए तरह के क्राउड के साथ में आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ऐसे क्लब में आते हैं तो जो आपका कोई जो थाई फ्रेंड हो या आपकी कोई थाई फ्रेंड हो तो उसको साथ में लाने का ट्राई कीजिएगा। बिकॉज इन क्लब में जो क्राउड आता है वो पूरा का पूरा आपके जैसा ही टूरिस्ट है जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आता है, या फिर यहाँ पे क्राउड आता है जो पत्या का बेस्ट क्राउड है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बॉर्न क्लब, और अगर आप लोग बॉर्न क्लब के बिल्कुल साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और बिल्डिंग दिखेगी, अगर आप लोग ये बिल्डिंग देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, तो यही वो जगह है जहाँ पर मैंने आपको बोला कि एक जो अडल्ट जो शो चलता है, जो बच्चों के लिए फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो 18+ के लिए एक शो है,
तो ये अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं एक ग्रीन कलर के कपड़े से इस जगह का नाम जो है उसको अभी फिलहाल ढका हुआ है। तो ये है बिगाई, अगर आप लोग ये नाम देख पा रहे हैं, और बिगाई अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल जो बॉर्न क्लब है, अगर आप लोग सामने देख रहे हैं तो ये है बॉर्न क्लब, बिल्कुल बॉर्न क्लब के जो साथ वाली बिल्डिंग है वहीं पर चलता है ये शो, इट्स बिगाई। तो ये है बिगाई, वो शो जो मैंने आपसे बात करी कि यहाँ पर एक 18 प्लस लोगों के लिए एक अडल्ट शो चलता है। तो बिगाई इज़ अ काइंड ऑफ एक स्ट्रिप शो है, यहाँ पर एक तरह का स्ट्रिपिंग होता है यहाँ पर, और स्ट्रिपिंग के साथ साथ में इस शो की जो खासियत है वो है कि ये जो शो है ये पूरा का पूरा एकदम एक थीम बेस्ड शो है, एक थीम को लेकर ये पूरा का पूरा शो चलता है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1 घंटे का। और इस 1 घंटे में जो आर्टिस्ट आपके सामने जो परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर फीमेल के साथ साथ में मेल आर्टिस्ट भी हैं। तो ये जो शो है एक थीम बेस्ड शो है, और इस थीम बेस्ड शो के अंदर आपके पास में फीमेल आर्टिस्ट भी होंगी और आपके पास में मेल आर्टिस्ट भी होंगे, तो आपका 1 घंटा जो है आप एक अच्छा इंटरटेनमेंट आप लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं। वो मेरे काफ़ी सारे भाई हैं जो इस शो के बारे में शायद नहीं जानते, तो आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इट्स बिगाई। और बिगाई एक आपको फिर से मैं बता दूँ कि एक फैमिली शो बिल्कुल नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस लोगों के लिए एक कह सकते हैं एक स्ट्रिप शो पत्या के अंदर। तो ये है बिग आई जो आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कुछ अलग एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। तो ये था बिग आई, और बिग आई के साथ में बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं तो बॉर्न क्लब, और ये दोनों के दोनों बिल्कुल एकदम साथ में अगर आप देखें तो ये बॉर्न क्लब और ये बिग आई, तो ये जगह याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे, तो अगर आप लोग बिग आई से थोड़ा सा और आगे आएंगे इसी रोड के ऊपर तो यहाँ पर जो आपके पास में एक और बड़ा क्लब आएगा जो यहाँ पर थाई म्यूज़िक के लिए और उसके अलावा जो इंटरनेशनल म्यूज़िक है, हाउस है, इलेक्ट्रो है, ट्रांस है, उसके लिए जो जाना जाता है। तो ये जो क्लब है ये है डिफर, तो इसी रोड पर जो टर्मिनल 21 के पीछे वाला जो रोड है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अगर सामने विजिबल है सेंट्रल मरीना का भी आपको बोर्ड दिखेगा, तो जो सेंट्रल मरीना एक फेमस शॉपिंग मॉल है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बैक साइड पर आपको मिलेगा एक और बड़ा क्लब, और ये है डिफर, अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं तो डिफर भी एक बहुत ही पुराना और एक काफ़ी बड़ा क्लब है यहाँ पर, फॉर इंटरनेशनल म्यूज़िक, फॉर थाई म्यूज़िक, और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर भी आकर एंजॉय किया करते हैं पत्या के अंदर। तो ये आपके लिए एक और ऑप्शन हो सकता है पत्या के अंदर कुछ अलग तरह का इंटरटेनमेंट लेने के लिए, कुछ अलग तरह का इंजॉय करने के लिए। तो इसी रोड के ऊपर बॉर्न क्लब और जो बिग आई शो है, उसके अलावा आपके पास में एक और बड़ा क्लब है, ये है डिफर, और डिफर एक बहुत ही पुराना नाम है पत्या के अंदर, एक बहुत ही फेमस क्लब है ये इस रोड के ऊपर। और डिफर क्लब में भी बॉर्न क्लब के जैसे ही अगर आप लोग देखें तो जो म्यूज़िक है वो होता है हाउस और ट्रांस और टेक्नो, और उसके अलावा यहाँ पर हिप हॉप भी प्ले होता है। तो यार आपके पास में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पत्या के अंदर, अगर आप कुछ अलग तरह का म्यूज़िक इन्जॉय करना चाहते हैं, कुछ अलग तरह के लोगों के बीच में, एक बिल्कुल अलग क्राउड के बीच में। और यार मैं पर्सनली आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पत्या में आते हैं तो मैं पहले भी आपको बोला कि कुछ भी छोड़ने का नहीं, राइट। तो यार फ्यूचर में ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा जो पत्या के जो ऐसे बड़े क्लब है जहाँ पर अच्छा इंटरनेशनल म्यूज़िक प्ले होता है, जहाँ पर अच्छा थाई म्यूज़िक प्ले होता है, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया आप लोग कह सकते हैं क्रीम क्राउड आपको मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा। ऐसे माहौल में आकर कुछ टाइम बिताइए, कुछ टाइम इन्जॉय कीजिए। तो ये है इसी रोड पर एक और बहुत ही फेमस पत्या का जिसे कह सकते हैं इंटरनेशनल थाई क्लब, इट्स डिफर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाता हूँ एक और क्लब। तो डिफर से थोड़ा सा अगर आप लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, इट्स सेंट्रल मरीना, और ये सेंट्रल मरीना जो एक शॉपिंग मॉल है बिल्कुल उसका एग्जैक्ट बैक साइड वाला हिस्सा है। और ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ से अगर आप इस रोड से बाहर निकलेंगे तो सामने आपके पास आएगा हनी टू। तो अगर आप हनी टू तक आते हैं तो आप हनी टू के बिल्कुल जो सामने वाला रोड है उस रोड से आप अंदर आ सकते हैं, और अंदर आने के बाद आपको मिल जाएगा ये रोड जो बिल्कुल बैक साइड है। अगर आप लोग देखें इट्स सेंट्रल मरीना, सेंट्रल मरीना का बिल्कुल बैक साइड है, तो बहुत इजीली आप लोग ये जो क्लब है यहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग सेकंड रोड से आते हैं तो बहुत ही इजीली आप इन क्लब तक पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल हनी टू के सामने वाले रोड से अंदर आते हैं, आप लोग सेंट्रल मरीना के बैक साइड पर आते हैं, आप लोग टर्मिनल 21 के बैक साइड पर आते हैं, राइट। और अगर आप लोग बिल्कुल इसी बोर्ड के सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे दो बहुत ही फेमस रिजॉर्ट्स जो यहाँ पर मेरे इंडियन भाई काफ़ी सारे भाई आकर यहाँ पर स्टे भी करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में सेंटारा पत्या गार्डन रिजॉर्ट, और उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो इट्स अनंतारा पत्या रिजॉर्ट। तो ये दोनों जो रिजॉर्ट हैं ये भी यहाँ पर बिल्कुल इसी रोड पर है, और यहाँ से अगर आप लोग अंदर जाते हैं तो आपको मिलते हैं ये दो रिजॉर्ट, इट्स सेंटारा पत्या गार्डन रिजॉर्ट, और उसके साथ साथ में आपके पास में अनंतारा पत्या रिजॉर्ट। तो मेरे काफ़ी सारे भाई यहाँ पर भी स्टे करते, तो यहाँ तक आया था सोचा आपको ये रिजॉर्ट भी दिखाता चलूँ। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो उसी रोड पर अगर आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर दिखेगा एक और बहुत ही फेमस और एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही पुराना नाम, अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं।
तो ये है इस रोड का एक बहुत ही फेमस क्लब, इट्स हॉलीवुड क्लब। और हॉलीवुड क्लब भी एक बहुत ही बड़ा आप लोग कह सकते हैं एक इंटरनेशनल क्लब है। अगर आप लोग इंटरनेशनल क्लब की बात करते हैं वॉकिंग स्ट्रीट से बाहर हट के, वॉकिंग स्ट्रीट से बिल्कुल अलग, और पत्या के अंदर जो बड़े नाम है उसमें एक बहुत ही बड़ा जो नाम है, एक बहुत ही जो पॉपुलर नाम है वो है हॉलीवुड। और हॉलीवुड के बारे में मैं पहले भी अपने एक ब्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि एग्जैक्ट जो हॉलीवुड का जो लोकेशन है तो आप अगर थोड़ा सा लोकेशन क्लियर करके और एक बार फिर से हमें हॉलीवुड दिखाएंगे तो हमको बेटर आइडिया हो जाएगा कि हमको हॉलीवुड किस तरह से पहुँचना है। तो ये है सामने, अगर आप लोग क्लब देख रहे हैं इट्स हॉलीवुड, और हॉलीवुड के बिल्कुल बाहर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये प्लेन यहाँ का एक लैंडमार्क है और इसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स हॉलीवुड। ये जो क्लब आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भी एक इंटरनेशनल थाई क्लब है और इसका नाम है हॉलीवुड। और हॉलीवुड एक बहुत ही यार पॉपुलर नाम है यहाँ पर पत्या के अंदर, इसके बारे में मैं पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि एग्जैक्ट जो हॉलीवुड है उसका जो लोकेशन है प्लीज़ बाबा भाई हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आई होप आज आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट ये क्लब कहाँ पर है। और इस क्लब की भी जो खासियत है वो यहाँ का जो डीजे जो यहाँ पर म्यूज़िक प्ले करते हैं उसके साथ साथ में यहाँ पर लाइव म्यूज़िक प्ले होता है, उसके साथ साथ में यहाँ पर जो ब्यूटीफुल जो डांसर्स हैं वो बीच बीच में आकर यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। आप आकर जो इंटरटेनमेंट पार्ट है आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, आप लोग म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं, आप लोग डांस कर सकते हैं, आप लोग ड्रिंक कर सकते हैं, और आपके साथ में होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्राउड जिसके साथ में आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा यार कभी भी अगर आप ऐसे क्लबों में आते हैं, जो भी क्लब मैंने आज आपको दिखाए बॉर्न हो या डिफर है या फिर हॉलीवुड है, ऐसे क्लबों में आप आपके अगर कोई थाई फ्रेंड हो आपका या आपकी कोई थाई फ्रेंड हो तो उनको साथ में लेके आने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर अकेले नहीं आ सकते, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में, एक चीज़ को बिल्कुल आपको डाल के रखना है, और वो चीज़ ये है कि इन क्लबों का जो माहौल होता है वो जो वॉकिंग स्ट्रीट के जो क्लब्स हैं उससे बिल्कुल अलग है। बिकॉज यहाँ पर जो लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, जो लोग यहाँ पर फन के लिए आते हैं, वो सभी लोग आपके जैसे ही टूरिस्ट हैं पत्या के अंदर, सिर्फ वो लोग अलग अलग कंट्री से हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर थाई लोग आते हैं वो यहाँ पर जो पत्या की जो बड़ी फैमिली है, जो पत्या का क्रीम क्राउड है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो मेक श्योर अगर आप फ्यूचर में कभी भी इन क्लब में आते हैं तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा कि बाबा भाई ने आपको एक एडवाइस करा था, प्लीज़ इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, राइट। तो फिलहाल यही थी कुछ जानकारी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था, ये अबाउट दिस इंटरनेशनल थाई क्लब। और उसके अलावा एक जो बहुत ही यूनिक सा यहाँ पर शो है फॉर अडल्ट पीपल ओनली 18+, इट्स बिग आई। तो आई होप जो भी जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर करी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। और अगर अभी भी आप इन क्लब के बारे में मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आई डी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूँगा और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। भूलिएगा नहीं, मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। See ya.